अगली खबर आ रही यूपी से, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां, खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में आज प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़ ने डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ जिला अध्यक्ष विजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग पर गफ्फार पेट्रोल पंप पर कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल का दाम कम किए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान हुई जनसभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विजेंद्र मिश्रा ने कहा, आज यह तानाशाही सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर आम जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है। यही सरकार जनता को भूखों को मारने में आमादा है। उन्होंने कहा कि बात बात पर पेट्रोल गैस लेकर प्रदर्शन करने वाले सरकार के नेता आज गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार को मनमानी नहीं करने देगी और सरकार को दाम कम करना ही होगा। जिला प्रवक्ता वेदांत तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस सरकार द्वारा किए जा रहे महंगाई का विरोध कर इस सरकार को डीजल पेट्रोल व रसोई गैस का दाम कम करने पर मजबूर कर देगी। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह खास रिपोर्ट। कुछ चंद पूंजीपतियों की यादी को मजबूत करने के लिए हमारे ऊपर यह बोझ लाद रही है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। आपको मैं बताना चाहूँ कि पिछले साल 2020 में डीजल के दाम कितने 69 रुपये और आज 2021 में वही डीजल का दाम 88 रुपये हो गया। 2020 में पेट्रोल के दाम 74 रुपये थे, आज 95 रुपये हो गया। एक साल में 100% बढ़ोतरी हो रही है सरकार के अंदर। यह सरकार देश को लूटना चाहती है, किसान आम गरीब जनता को लूटना चाहती है। इससे इसके खिलाफ हम कांग्रेस के सिपाही आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और इसी निर्मुक्त सरकार को हम भगाने का काम करेंगे। आपका नाम? मैं ब्रजेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस।